एक होता है खुद टपकता है पानी, पेन नहीं है वैसे पानी, लेकिन एक है दर्द है और गाढ़ा है, दर्द के साथ आपको आता है और वो टपक गया, तो उससे वुजू आप दोबारा करना होगा। पेन आया दर्द के साथ आया, इट मीन्स कि उसने जिल्द को फाड़ा है, जिल्द को शक किया है, वो स्वेलिंग हो चुकी, इट मीन्स कि वो पस है। वैसे पानी के कतरे छींकूंगे इससे कुछ नहीं। और जी कभी कभी मुझे आवाज़ ही आपकी नहीं आ रही। हाँ आंखें सुर्ख होना कोई मसला नहीं है, सुर्खी से वुजू नहीं टूटा, लेकिन उससे अगर आपकी कोई सिक्रीशन हुई है तो उससे आपको दोबारा वुजू का पेन आ गया ना, वो अंदर उसकी जिल्द का मसला आ गया। जी आप इधर आ जाएं, वहां से वो उधर सेंस महसूस इधर आ जाएं। हाँ मैं भी आप हाँ तो पेशाब भी तेज आया और अजान हो जाती है, जी बिल्कुल तो अजान के वक्त बाथरूम में जाना मुनासिब है? बात हो गई है। अजान देखें, बहुत अच्छा सवाल किया। एक बंदा वैसे ही बाथरूम में था, अजान हो गई, बड़ा अहम मसला पूछा। देखे ना वॉशरूम में इंसान है, ये हमारी अल्लाह को पता है मेरे अंदर मेरी मजबूरियां क्या है, इसलिए को मैं यार भूख लगी है पहले खाना खा लो। अब आप अगर अजान सुनते हैं और वॉशरूम नहीं जाते, पेशाब निकल जाए, कपड़े खराब हो जाएं, आप जाएं, आप बाथरूम जाएं, वो तभी चीज है आपकी। वॉशरूम में आप बैठे थे, अजान हो गई, कोई जवाब नहीं देना, वहां कलाम ही नहीं करना, तो आपकी जो तबीयत है, जो हाजत है, तभी है। अल्लाह पाक को उसकी पता है, वो माजूरी है, वो उजर है, बिल्कुल आप जाएं अजान के वक्त जाएं।